देख सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग घर में मेहमान आ चुका है, नया मेहमान। गर्मी के कारण पूरा जो है दब जाता है, तो भाई सब फ्रेश कर दे रहे हैं। ग्रेडिंग देखो कितना सारा हो गया है, पूरी तरफ हो जा रहा है, इसीलिए तो 20 रुपए किलो दे रहे हैं। तो वही 25 पसीना से पूरा भींग चुके हैं दोस्तों, तो नहाने का भी जरूरत नहीं है। चलिए दोस्तों फटाफट गिनते हैं। देखिए इतना बेच के आए हैं पापा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं एक और न्यू ब्लॉग्स में। दोस्तों सुबह का समय, आप सभी को गुड मॉर्निंग। और हर दिन की तरह दोस्तों आज भी जा रहे हैं गोला सब्जी मंडी, सब्जी खरीद के बेचने के लिए दोस्तों। और ये रहा मेरा KTM। और दोस्तों हम लोग घर में नया मेहमान आ चुका है, आप देख सकते हैं। ये रहा बच्चा, 3 ठो दिया। ये है दोस्तों, 3 दिया था बच्चा दोस्तों, लेकिन एक बच्चा मर गया था किसी तरह का। चाची पेट के अंदर में किसी तरह दोस्तों एक बच्चा मर गया था। तो ये रही हम लोग की मालकिन, अभी खा रही है। और देखिए अभी फिलहाल 2 ठो यहाँ पर है कैरेट में, कटुनी देखिए व्हाइट और ब्लैक कलर का है। मैं कर रही है और आ गई इसकी माँ, देख सकते हैं। देख सकते हैं हम लोग घर में मेहमान आ चुका है, नया मेहमान। 3 था लेकिन एक किसी तरह मर गया, पेट के अंदर में ही मर गया था। चलिए दोस्तों, और देखिए इधर भी है, अभी कटहल का पत्ता दिए खाने के लिए। और इधर देखिए ठोर बकरी है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आज भी बाजार और देखते हैं आज कौन कौन सा सब्जी खरीद पाते हैं, कितने रुपए का सब्जी खरीद पाते हैं। और पापा जाएंगे बेचने के लिए, और देखते हैं पापा आज कितना का बेच के लाते हैं। और गर्मी भी जानते हैं दोस्तों बहुत बढ़ चुका है। चलिए चलते हैं बाजार की ओर। कुछ दूर आ चुके हैं दोस्तों, तो देख सकते हैं हम लोग को मंडी यहाँ से भी दिखता है। चलिए हम लोग चलते हैं बाजार। अब नदी के किनारे देखिए आम का भी पेड़ है दोस्तों। बाजार पहुँच चुके हैं और अपना साइकिल को खड़ा कर दिए हैं, और फिलहाल अभी आम और टमाटर लेने के लिए जा रहे हैं। चलिए टमाटर और आम ले लेते हैं, उसके बाद हरा सब्जियाँ लेंगे। और दोस्तों भैया के पास में एक किलो टमाटर ले लिए हैं, 220 रुपये कैरेट में लिया है एक किलो, वही 27-28 किलो वजन उतरता है। भैया कैरेट भेज दिएगा ना। चलिए दोस्तों आम ले लेते हैं मनसा भैया के पास में। दोस्तों मनसा भैया के पास में आ चुके हैं। मनसा भैया 20 रुपये किलो हम लोग का आम दिए, पका हुआ आम देख सकते हैं कैसे लगा रहे दादाजी आप। 20 रुपये किलो देख सकते हैं, मतलब हल्का सा दागी उगी निकल रहा है, इसीलिए थोड़ा सा गर्मी का टाइम है ना, काला काला फूंदी तरफ हो जा रहा है इसीलिए। तो 20 रुपये किलो दे रहे हैं, तो वही 25-30 रुपये पड़ेगा अपना, 40 रुपये आराम से खुदरा बेचेंगे। तो दोस्तों आम ले चुके हैं, 25 किलो है, 5-6 किलो खराब भी निकलेगा। और आ चुके हैं दोस्तों अपना साइकिल के पास में। दोस्तों आम और टमाटर ले चुके हैं, सब कैरेट लिए हैं, साइकिल में जाएगा कैसे सोच रहे हैं वही वाला। दोस्तों अभी टमाटर फ्रेश कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी के कारण क्या होता है कि टमाटर सब ना जो पका रहता है वाला पूरा टसा के मतलब टला जाता है पूरा, गर्मी के कारण पूरा जो है दब जाता है। तो भाई सब फ्रेश कर दे रहे हैं, ग्रेडिंग देखिए उधर कितना सारा हो गया है। और आम भी मतलब 2 किलो जैसा सड़ा निकला है, और लगभग आज जो है 700 रुपये का उधार सब्जी खरीदे हैं, 1 कैरेट आम भी उधार खरीदे हैं, और 1 कैरेट टमाटर भी उधार खरीदे हैं। बाकी अभी हरा सब्जी जो है वो पैसा दे के खरीदना पड़ेगा। और भैया चलिए फिलहाल अभी जो है टमाटर को फ्रेश कर लेते हैं, और इतना सारा फ्रेश कर चुके हैं और उतना ख़राब निकल चुका है। दोस्तों टमाटर का छटाई कर चुके हैं, और देख सकते हैं इतना सारा निकला है टमाटर, यानी कि लगभग वही 2 से 3 किलो तक टमाटर खराब निकला, सड़ा हुआ निकला है गर्मी के कारण, बहुत ज़्यादा गर्मी है इसीलिए दोस्तों। तो वही लगभग 10 रुपये किलो पड़ गया है दोस्तों अपना। तो वही पापा जो है 15 रुपये किलो से खुदरा बेचेंगे। और आम भी देख सकते हैं इस तरह का है दोस्तों, निकला है 1 से 1.5 किलो तक निकला है इस तरह का, इसीलिए थोड़ा रेट बढ़ जाता है और अपना मार्जिन रख के बेचना पड़ता है। तो आम में तो प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि आम का सीज़न अभी बिकता है और टमाटर भी बिक जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं कुछ कुछ और हरा सब्जी लेने के लिए। तो अभी बाज़ार में थोड़ा सब्जी कम चढ़ा है, तो हम लोग बाहर निकल रहे हैं और थोड़ा नज़ारा दिखाते हैं आप लोगों को किस तरह से जो है हम लोग का मंडी लगता है। इधर सकते मेन रोड है, और इधर से आप जा सकते हैं रांची, और उधर से जा सकते हैं आप बोकारो, और इधर एक रोड गया है लेफ्ट साइड में जाता है रामगढ़ की ओर, और राइट साइड में जो उधर है उधर जा सकते हैं आप मोरी जा सकते हैं। और ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर, देख सकते हैं यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है रामगढ़ रजरप्पा मोरी और बोकारो का।
तो दोस्तों भैया के पास में 18 रुपये किलो हम लोग करेला ले चुके हैं। तो दोस्तों भैया और हम दोनों को मिल के भर रहे हैं करेला। 11 किलो बने भैया हम लोग का करेला। थोड़ा सा मोटा है, देखते हैं बिकता है कि नहीं। बिक जाएगा, पका नहीं है। पका क्या भैया? नहीं पका नहीं, खाली मोटा हो गया साइज में। चलिए फटाफट भरते हैं, दोनों की गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों भैया को पैसा दे दे रहे हैं, भैया जा रहे हैं। और हम लोग का देख लीजिए करेला हो गया है और टमाटर और आम है। और चाचा देखिए उधर बेच रहे हैं आम काट काट के पूरा। तो दोस्तों हम लोग भिंडी ले लिए हैं, 10 रुपये किलो बिकता है, लेकिन हम लोग 11 रुपये किलो भाई के पास लिए हैं। ये लोग को स्कूल जाने का इसीलिए। तो चलिए भाई दोनों को तोलो आप लोग। तो भैया हम लोग भिंडी ले चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग 12 किलो लिए हैं, 11 रुपये किलो। ऐसे मंडी में 10 रुपये बिक रहा था, लेकिन धूप में तो ज़्यादा पटाने में अच्छा नहीं लगता क्या भाई? और ये भाई के पास कितना क्लास में पढ़ता है भाई? 10th में जैक बोर्ड CBSE CBSE बोर्ड से भाई है। तो चलिए भाई को अपना पैसा दे देते हैं। लीजिए भैया, है ना, जाइए अपना धूप से बच के भाई, है ना। ठीक है दोस्तों, तो अपना हो गया है, भिंडी भी हो गया, करेला भी हो गया है, आम का है आपका आम 500, टमाटर है 220 रुपया का, करेला 190 रुपया का और भिंडी 130 रुपया का हो चुका है। अब मिर्चा लिए 70 रुपया का। चलिए दोस्तों और कुछ सब्जियां लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कितना रुपया का पूंजी में लगा चुका हूँ। दोस्तों सुबह का 9 बज चुका है और आज सब्जी खरीदे, देखिए दोस्तों क्या क्या खरीदे हैं। आज खरीदे हैं भिंडी दोस्तों, करेला खरीदे हैं, बरबट्टी खरीदे हैं, टमाटर खरीदे हैं, मिर्चा खरीदे हैं और 1 कैरेट जो है आम भी खरीदे। तो पूरा चाचा का बेटा से पहुँचा दिए, यानी कि मेरा भाई से पहुँचा दिए घर। साइकिल लाया था तो घर जा रहा था, तो उसको बोले कि मेरा अपना साइकिल ले जा दो आम, क्योंकि मेरा 1 कैरेट टमाटर भी है, तो 2 कैरेट मेरा साइकिल में नहीं हटता यहाँ पर, इसलिए बोले कि 1 कैरेट तुम मेरा ले जा दो और 1 कैरेट हम टमाटर अपना साइकिल में यहाँ पर बांध ले जाएंगे। चलिए दोस्तों फटाफट आप घर चलते हैं। दोस्तों लोड कर चुके हैं अपना सारा सब्जी हम, और देख सकते हैं किस प्रकार से लोड किए हैं दोस्तों। दोस्तों अब घर जा रहे हैं, दोस्तों देख सकते हैं इस प्रकार से लोड चुका हो, गर्मी लागो। दोस्तों घर पहुँच चुके हैं और अभी सुबह का 10 बज चुका है, पसीना से पूरा भींग चुके हैं दोस्तों, तो नहाने का भी जरूरत नहीं है। मस्त अभी छाया में जाएंगे तो ऑटोमेटिक ठंडा लगेगा पूरा मस्त। तो चलिए अब चलते हैं घर में, प्रवेश करते हैं अपना। और ये हम लोग का गली रोड का दरवाजा है। पापा भी आ चुके हैं दोस्तों। चलिए अब खड़ा करते हैं अपना KTM को, ZX Tenor नहीं हमको आता नहीं बोलने के लिए। ये पापा घर में सब्जी देखिए दोस्तों, भिंडी है, मजा आता है खाने में। दोस्तों अपना सारा सब्जी हम घर में घुसा चुके हैं, आप देख सकते हैं। और देखिए इधर गोभी है दोस्तों, टमाटर है दोस्तों, भिंडी है दोस्तों, करेला है दोस्तों और आम भी लिए हैं दोस्तों। लेकिन ये आम थोड़ा सा हरा है, थोड़ा सा पीला पीला रहता तो बेचने में मजा आता क्या माँ? तो मीठा लगता है, मीठा लगता है। खाली देखिए आप लोग फिर भी देखते हैं दोस्तों बिकता है कि नहीं। 20 रुपये किलो लिए हैं तो 2 किलो जैसा खराब निकला, यानी 25 रुपये किलो अपना खुद का पड़ गया होगा। किलो बेचिएगा सर? तो देखते हैं 40 रुपये किलो बेचना है, 40 रुपये किलो बिक जाएगा लग रहा है। किस तरह से निकल जा रहा है, कैसा काला निकल जा रहा है। देखिए दोस्तों कैसा काला निकलता है, अरे सड़ गया। तो दोस्तों बहुत गर्मी लग रहा है, पैर हाथ धो लेते हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। पैर हाथ धो के आ चुके हैं, अपना बकरी के बच्चा थोड़ा सा देख रहे हैं का मुनकी। तो दोस्तों आज लगभग जो है हम लोग ज्यादा रुपए का सब्जी नहीं खरीदे हैं, आज लगभग जो है क्या बोलते हैं कि आज लगभग जो हम लोग 10 रुपया का 1200 रुपया का सब्जी खरीदे हैं, यानी 1190 रुपया का मात्र सब्जी खरीदे हैं। और देखते हैं पापा आज कितने रुपए का बेच के लाते हैं। तो अभी तो रख दिए हैं दोस्तों, पापा जाएंगे भाई 3 बजे जाएंगे, 2:30 से लेकर 3 बजे जाते हैं बेचने के लिए, रात का 8 बजे आते हैं। तो फिलहाल चलिए अभी रेस्ट करते हैं और कुछ कुछ खाना है, खाना नाश्ता बना हुआ खा लेंगे, उसके बाद जो है 2-3 बजे से निकलते हैं सब्जी बेचने के लिए। और पापा जाएंगे बेचने के लिए, मेरा काम रहता है लाने का सब्जी और पापा का काम रहता है बेचने का सब्जी। दोस्तों घर आ चुके हैं और टमाटर और आलू का सब्जी बन रहा है, हम आ दिए थे आलू पकने के लिए। तो देख सकते हैं दोस्तों आलू पक गया है, तो खा लेते हैं थोड़ा, पका हुआ खाने में मजा आता है। और जब हम लोग बारी में आलू कोड़ते हैं तो उस समय गोइठा से पकाते हैं, यानी गोबर से पकाते हैं, गोबर वाला जो रहता है सूख जाता है, उसको हम लोग गोइठा बोलते हैं अपना भाषा में, उससे हम लोग पकाते हैं तो उसमें खाने में और मजा लगता है।
कभी चूल्हा में पका है कोयला से, मजा आता है खाने में। तो अभी सब्जी नहीं बनाया दोस्तों, कुछ देर के बाद सब्जी बनेगा, खाएंगे खाना अभी। तो चलिए फिलहाल अभी रेस्ट कर लेते हैं दोस्तों। दोपहर का 2 बज चुका है, हम लोग का सब्जी बेचने का ठीक हुआ था और बारिश शुरू हो गया है दोस्तों। और बारिश के साथ साथ बर्फ पानी भी हो रहा है, ये देखिए बर्फ बर्फ गिर रहा है दोस्तों, देख सकते हैं ये सब जितना है सब बड़ा बड़ा पत्थर है, बर्फ पानी हम लोग इसको बोलते हैं। और देखिए यहाँ पे आ गया, देखिए दोस्तों यहाँ पर बर्फ आ गया है, पूरा ठंडा भगवान का फिर से लग रहा है, गिर रहा है बर्फ इतना बड़ा बड़ा का, सब हम लोग का फसल बर्बाद हो जाएगा दोस्तों। देख सकते इस बार देखिए दोस्तों कितना बड़ा बड़ा बर्फ गिर रहा है, देखिए दोस्तों आग ये सब पूरा हो गया, आग पूरा एकदम पूरा हाथ में हो गया है दोस्तों। दोपहर का 2:30 बज चुका है और बारिश भी छूट गई है, तब जा रहे हैं हम लोग बेचने के लिए, पापा जाएंगे बेचने के लिए दोस्तों। तो अभी देखिए भिंडी निकाल रहे हैं और अभी सब साइकिल में अभी लाद देंगे, तो अभी भिंडी लाद रहे हैं दोस्तों हम लोग लाद चुके हैं। और देखिए लास्ट था हम लोग का टमाटर लादने का बाकी, तो टमाटर भी लाद चुके हैं दोस्तों, देख सकते कितने बड़ा बड़ा दोस्तों। हम लोग सारा सब्जी अपना लाद लिए हैं और आज भी पापा के दे दिए सब्जी बेचने के लिए, देखते हैं कितने रुपए का बेच के लाते हैं। आपको पता है कितना सब्जी लिए है पापा? नो नहीं पता है, ठीक है बेच का ही उसके बाद बताएंगे दोस्तों। जा रहे हैं पापा बेचने के लिए, बेच का ही पापा अच्छा से ना हिसाब अच्छा से रखिए। चलिए दोस्तों हम लोग घर चलते हैं, इस प्रकार से मेरे पिताजी जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों पापा तो सब्जी बेचने के लिए चले गए हैं, अब हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा रात का 8 बजे तक, क्योंकि रात का 8:30-9 बजे तक पापा आते हैं सब्जी बेच के, गाँव गाँव में घूम के बेच के आते हैं। तो आज लगभग हम लोग जो है 1190 रुपये का सब्जी खरीदे, यानी कि ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि 1200 रुपये का सब्जी खरीदे हैं, वेजिटेबल्स हम लोग खरीदे हैं। तो देखते हैं आज पापा कितने रुपए का बेच के लाते हैं, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा दोस्तों रात का 8 बज चुका है, पापा आ चुके हैं बेच के और देख सकते हैं खाली हो गया है, टमाटर भी बिक गया है और इधर था भिंडी भी बिक गया है दोस्तों, करेला थोड़ा सा, मिर्चा थोड़ा सा बचा हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं मिर्चा थोड़ा सा बचा हुआ है दोस्तों, थोड़ा सा खाली करेला बचा हुआ है, 11 किलो करेला था उसमें थोड़ा सा बचा हुआ है। तो चलिए दोस्तों अब गिनते हैं और गिन के देखते हैं कि आज कितने रुपए का पापा सब्जी बेच के आए हैं। चलिए पैसा मिलाते हैं पहले, अच्छा सेट कर लेते हैं उसके बाद गिनते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पैसा गिन चुके हैं और 10 रुपया कम 1200 रुपया लगाए थे दोस्तों आज सब्जी में, और पापा बेच का है 1315 रुपया बेच का है दोस्तों, यानी वही लगभग आज 125 रुपया हम लोग का फायदा हुआ है दोस्तों मात्र, उसमें 10-12 किलो जैसा आम बच गया है और 1.5 किलो जैसा करेला बच गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों आज तो ज्यादा फायदा हम लोग का नहीं हुआ, ज्यादा सब्जी भी नहीं खरीदे थे, मात्र करेला भिंडी और थोड़ा सा गोदी खरीदे थे दोस्तों, और आम खरीदे थे 25 किलो जैसा, जिसमें 10-12 किलो जैसा आम घर में ही है। और उधार भी कितना उधार है पापा? 100 रुपया उधार है ना, यानी कि 225 रुपया फायदा हुआ है दोस्तों, उसमें पापा बता रहे हैं कि 100 रुपया पापा का उधार है पापा। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग का लगभग बोल सकते हैं कि 225 रुपया फायदा हुआ है, उसमें हम लोग को 115 रुपया मिला है और 100 रुपया भी उधार है, बाकी है उला नहीं मिला है, उला कस्टमर देंगे अगले दिन जाएंगे तब। दोस्तों रात का 8 बज चुका है और आज तो हम लोग का ज्यादा फायदा नहीं हुआ है, चलिए आज के ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं दोस्तों। और प्लीज कमेंट में बताइए दोस्तों आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है दोस्तों, अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और अगर आप चैनल पर नए होंगे दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, साथ साथ शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जो आर झारखंड दोस्तों।